हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज अपनी इस क्लास में आपको प्रीपोजिशन के टेस्ट नंबर 30 का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो ये आज हमारी 17वीं क्लास है और टेस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा विद इन 5 मिनट्स, क्योंकि सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं। तो सिर्फ आंसर आपको हिंट के रूप में समझाए जाएंगे, फिर आज हम अपनी जो कल की क्लास हमने छोड़ी है वहाँ से आगे कॉन्टिन्यू करेंगे, और वो अभी भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा आज के टेस्ट का, ही कट्स द मैंगो, वह आम काटती है। और हमने आपको ये समझाया होगा कि जब कोई व्यक्ति हाथ में अपने कोई हथियार या कोई पेन पेंसिल मार्कर यूज़ करके काम करता है तो विद आता है। पहले का आंसर चौथा रहेगा, वह आम एक चाकू से काटती है। दूसरा है ही राइट्स, लेकिन अगर हम पेन से, मार्कर से और पेंसिल से लिखें, ए पेन, ए मार्कर, ए पेंसिल, पेंसिल से पहले ए, तो विद आएगा। लेकिन जब हम इंक लिखें, रेड इंक लिखें, ब्लू इंक लिखें, इंक होनी चाहिए, या फिर पेंसिल हो तो बिना आर्टिकल के हो। जैसे दो सेंटेंस देखो, ही राइट्स ब्लैंक ए पेंसिल, एक दूसरा देखो, ही राइट्स और ब्लैंक पेंसिल, तो ऊपर वाले में आर्टिकल बोला मैंने, विद आएगा। दूसरे में आर्टिकल नहीं बोला, इन आएगा, क्योंकि दूसरे में जो बिना आर्टिकल के पेंसिल का यूज़ करा है वो एक्चुअल में ग्रेनाइट की बात करते हैं, जो ब्लैक ब्लैक सा होता है, जो कॉपी पे उतर जाता है। तो सिर्फ पेंसिल हो तो इन आएगा और इंक हो तो भी इन आएगा। दूसरे का आंसर पहला रहेगा, करा चुका हूँ मैं ये आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इन द मॉर्निंग, सही बात है, इन द मॉर्निंग होता, लेकिन ऑफ द इवेंट, जो कोई घटना है उसकी सुबह, और जब किसी खास दिन की सुबह होती है तो इन नहीं आता, ऑन आता। तीसरे के पहले पार्ट में इन काट के ऑन करो, सेंटेंस बन जाएगा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट ही वाज लेट, जिस दिन इवेंट होनी थी उसकी सुबह को वह देर से आया था। तो तीसरे के पहले पार्ट में ऑन कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर चार में संडे इवनिंग है, तो यहाँ भी ऑन आएगा, रविवार की शाम को मैं उससे मिला, चार का आंसर पहला। फिर आते हैं पांचवें नंबर पे, तो ही विल लीव फॉर दिल्ली, वह दिल्ली के लिए रवाना होगा। फोर नहीं आएगा क्योंकि नॉन पॉइंट ऑफ टाइम है, कट दो। एट आंसर है, इन बड़े टाइम के लिए आता, इन द मॉर्निंग वगैरह, ऑन आता नहीं है। तो पांचवे का आंसर तीसरा रहेगा, वह दिल्ली के लिए दोपहर को रवाना होगा, एट नून, एट डस्क, एट डॉन, एट मिडनाइट। चलिए छः नंबर, एयर कैन सर्कुलेट, सर्कुलेट का मतलब होता है घूमना या आगे बढ़ना। तो हवा जो है वो स्वतंत्र रूप से सुरंग में से होकर गुजर सकती है, थ्रो, थ्रो आएगा आंसर, सिखा चुका हूँ मैं आपको। जब किसी हॉल में से पार होकर के चीज़ निकल जाए तो थ्रो लगाते हैं, चाहे विंडो में से चोर निकल के भाग जाए, या जो है सुरंग में से कुछ ट्रेन या हवा निकल के चली जाए। तो आंसर छः का दूसरा, फिर सातवें नंबर पाएंगे, ही अप्लाइड क्रीम ब्लैंक हिज फेस, अगर इस वाइट बोर्ड पे मैं पेंट करके इसे हरा कर दूं तो मैंने ये कर दिया, आई अप्लाइड रेड कलर ओवर दिस वाइट बोर्ड। तो जब आप किसी चीज़ पर अप्लाई करते हो, ढकते हो सरफेस को, चाहे कपड़े से या किसी मटेरियल से, ओवर आता, मजबूरी में ऑन भी लगा सकते हो आप ऑन, लेकिन ओवर बेहतर है सरफेस को ढकने के लिए, ध्यान रखना इसका। तो आंसर जो है हमारा सातवें का वो पहला रहेगा, नहीं होता तो फिर ऑन आ सकता मजबूरी में, किसी सरफेस पे टच कर जाएगा ना वो, इसलिए तो पहला लगाओ। तो उसने अपने चेहरे पर क्रीम लगाई। फिर आते हैं आठवें नंबर पे, बच्चों माहौल बन गया हमारा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का, आगे देखो, ही हैज़ बीन लिविंग इन गोवा,
तो समय उधर की तरफ पूछ लें लास्ट में या शुरू में, नियम तो वो ही रहते हैं ना। फोर लगाओ, ईयर्स है ना, मैनी ईयर्स, तो मैनी गिनती की तरह है, दो तीन ना होकर के बहुत सारे हैं, फोर आएगा। आठवें का आंसर चौथा, बहुत सालों से या कई सालों से वह गोवा में रह रहा है। आठवें का आंसर लगाएंगे चौथा, हिंदी है कई सालों से मतलब है इसका। नौ नंबर, ही टीचेज अस ब्लैंक एन आवर, तो बच्चों सिंस तो आएगा नहीं, बाई भी नहीं आएगा, क्योंकि एन आवर पीरियड ऑफ टाइम है और सिंस और बाई पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आते हैं, ठीक। ऑन भी ख़त्म, फोर आएगा, हिंदी होगी तक, वह हमें एक घंटे तक पढ़ाता है, तक मतलब है इसका। तो नौ का आंसर भी चौथा रहेगा, लेकिन मीनिंग तक निकलेगा, आठ में से था, क्योंकि ये इंडेफिनिट में है ना इसलिए। फिर क्वेश्चन नंबर दस, द मीटिंग विल बी हेल्ड, मीटिंग का आयोजन किया जाएगा 25 जुलाई, तारीख है, ऑन आएगा तारीख के लिए, तो 10 का आंसर चौथा रहेगा। अच्छा, अगर ये भी सुनो, अगर ये वाला सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होता तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस आएगा इसके साथ, अगर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होगा तब। तो 10 का आंसर जो है हमारा फिलहाल ऑन है, क्योंकि बच्चों जब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होंगे ना, तो इन, एट, ऑन, बाई ये ख़त्म हो जाते हैं, तो सिंस फोर ही बचता फिर। तो 10 का आंसर चौथा हो गया। फिर 11 नंबर, शी डाइड फ्रॉम, चार ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, तो शी डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी थी इसलिए वो मर गई। एंड हर फ्रेंड डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी के लिए ऑफ, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर वर्क के लिए फ्रॉम आएगा। तो बच्चों 11 का जो पहला ब्लैंक है ना, यहाँ फ्रॉम आना चाहिए आपका और यहाँ ऑफ आना चाहिए, नंबर जोड़ लेना अपना। फिर 12 नंबर, ही मे कम बैक, वह वापस आ सकता है संडे। अब संडे पॉइंट ऑफ टाइम है तो फोर काट दो, फोर नहीं आएगा इसके साथ में, और बच्चों एट भी नहीं आएगा, दो बचे, सिंस भी आ सकता बाई भी, लेकिन परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस नहीं है, सिंस ख़त्म, बाई आएगा। हिंदी सुन लो, वह रविवार तक वापस आ सकता है, तक आएगा, तक। किसी के दिमाग में अगर ऑन है तो वो भी आ जाएगा, लेकिन अभी तो बाई लगाओ ना, ऑन है ही नहीं, आंसर लगाएंगे बाई, तो वह सोमवार तक वापस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, दे विल स्टार्ट देयर क्लासेस, वो अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। देखो ऑप्शन में है भी नहीं आपके पास में ऑन, लेकिन होता भी ना ऑप्शन में, तो फ्रॉम ही आंसर है। कैसे करके, देखो एट तो आएगा नहीं दिन के साथ, वो तो घड़ी के समय के साथ आता, सिंस आता अगर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता, फोर आता अगर पीरियड ऑफ टाइम होता, तो ख़त्म, ऑन बचता, ऑन है नहीं तो फ्रॉम आंसर है। ऑन होता, ऑन दे दूँ अगर इसके अंदर, एट काट के ऑन कर दो, तब भी फ्रॉम ही आएगा, क्योंकि क्लास से तो शुरू होकर के आगे तक चलती रहेंगी, कोई परेशानी है आपको फ्रॉम, लेकिन एक सेंटेंस और देखो, आप कभी गलत कर दो आप पेपर में, ही, क्योंकि स्टार्ट को रट मत लेना, आप स्टार्ट को रट मत लेना, ही विल स्टार्ट हिज जर्नी और ब्लैंक 5 PM मंडे या जुलाई। ध्यान से देखो बच्चों, तो कोई क्लास शुरू करनी है, बिजनेस शुरू करना है, जिम ज्वाइन करना है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो उसके बाद तो वो आगे तक उसके ज्वाइन करने के बाद जाता रहेगा, वहाँ पे आना जाना लगा रहेगा उसका, तो वो वाकई में फ्रॉम बेहतर होता। लेकिन ये सुनो ज़रा आप सही से, वह अपनी यात्रा शुरू करेगा 5 बजे, वह अपनी यात्रा शुरू करेगा 5 बजे। अब जब वो यात्रा शुरू कर देगा, पहुँच गया अपने स्थान पर, वो फिर से यात्रा 5 बजे शुरू करेगा, फिर से ऐसी करता रहेगा ना, यानी कि इसमें फ्रॉम से बचना आप, इसमें एट, इसमें ऑन, इसमें इन, मजबूरी में लगा लेना फ्रॉम। तो बच्चों में ये दिखा रहा था कि स्टार्ट भी देख लेना क्या है, यात्रा शुरू कर रहा है या कहीं निकल रहा है, तो उसके लिए तो बस एक समय चाहिए हमें, बार बार नहीं, तो एट, इन और ऑन लगाना। और अगर यहीं पर हो हिज क्लास, तो ये भी सही है, लेकिन बेहतर कौन सा, इनसे पहले फ्रॉम, इनसे पहले फिर फ्रॉम, क्योंकि क्लास तो चलती रहेगी हमारी, ठीक है ना, तो पेपर का आंसर फ्रॉम ही सही है।
फिर आते हैं हम 13 का आंसर हो गया हमारा चौथा, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ही हैज नॉट सीन मी। पहले सेंटेंस देखो आप परफेक्ट में है, बच्चे पूछ रहे थे सर परफेक्ट में कैसे होगा, ये है तो थर्ड फॉर्म में है, आईएनजी होगी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बच्चों इसमें ऑन भी काट दो इन भी काट दो, इनकी जरूरत नहीं है, बस दो ही चाहिए होते हैं सिंस या फॉर, और जब घटना होती तो सिंस आया था, मैंने बताया था आपको सिंस आएगा इसमें, उसने मुझे मेरी माँ की मौत से नहीं देखा, जब से मेरी माँ मरी है तब से मुझे नहीं देखा, आंसर सिंस आएगा दूसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, शी हैड बीन टीचिंग अस, वह हमें पढ़ा रही थी, सिंस काट के फोर कर दो क्योंकि आगे का माहौल पीरियड ऑफ टाइम वाला है, तो सिंस काट के फोर कर दे, दूसरे पार्ट में गलती थी। बच्चों ये तो रही हमारी क्लास टेस्ट की, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका काम क्या है आपको पता है, तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना कलेक्ट करें, कितना स्कोर बना हमें बताएं नीचे कि सर इतने में से इतना और इतने में से इतना, टेस्ट दिया है तो वो भी लिखें, सर मैंने आज इतने बजे टेस्ट दिया, या मैं इतना लेट हो गया, मैंने टाइम पर टेस्ट दिया, टाइम भी अपना बताएं। देखो ये चीज़ें जो हम बताते हैं आप करा करो, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, हमें पता चलता है कि हमारी ऑडियंस जो है आप लोग कि चाहते क्या हो हमसे, हम और वो चीज़ करेंगे आपके लिए बेहतर तरीके से, और इस क्लास को और बढ़िया बनाएंगे आपके लिए, पूरी कोशिश है कि आपको मज़ा आए, जब करो इसे तो पेपर में भी नंबर प्राप्त कर लो, ये प्री पोजिशन आसान चीज़ नहीं है, ये वैसे ही बता रहा हूँ, देखो मैं वैसे नहीं कह रहा लेकिन बता रहा हूँ, अगर प्री पोजिशन क्लास में पढ़ा दें तो ऐसे ऐसे नियम जो अब तक मैं 15 क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कम से कम 30-35 क्लास पढ़ाएंगे तब जा करके होंगे वो, बहुत सारे फिर अलग अलग बातें आएंगी ना, बच्चों का कब आएंगे बच्चे, कितने टाइम में जाना है, दूसरी जगह बेचे सुनना है सुनाना है अपनी बातें बतानी, तो टाइम निकल जाता, लेकिन प्री पोजिशन का प्लेटफॉर्म ये बहुत बढ़िया है, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला रहा हूँ निकाल करके, ठीक है, प्री पोजिशन हम इसी पे पढ़ाएंगे हमेशा, बच्चों का टेस्ट भी लिया करेंगे ऑफलाइन में, लेकिन अब सुनो आप अपना स्कोर बताएं, कितने टाइम पर आपने टेस्ट दिया ये बताएं, कितने टाइम में आपने करा ये बताएं, इससे हमें एनकरेजमेंट मिलता, जुड़ाव होता हमसे आपका, शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें। आगे देखते हैं अब आज की क्लास, देखो बच्चों हमने यहाँ तक का जो सफ़र तय किया है उसमें हम लगभग 90% प्रीपोजिशन ऑफ टाइम सीख चुके हैं, लेकिन सारी नहीं हुई हैं अभी, तो मैं अभी कंटिन्यू करूँगा, ये दो शब्द और देखो ये भी आपको पेपर में नंबर देंगे, इधर देख, शुरू हो गया आज का नियम, आज की क्लास में मुझे तीन बातें बतानी है, दो बोर्ड पे एक और बताऊंगा, वो लास्ट वाली जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत आती है पेपर में, और ये भी आती है, दोनों देख लो। देखो बच्चों एक शब्द होता है बिगनिंग, इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखना, इसमें डबल एन होता है यहाँ पे, और बच्चों एक होता एंड, ये होता शुरू वो होता अंत, इनके साथ भी प्रीपोजिशन का यूज़ करने का तरीका पूछा जाता है एग्जाम पेपर में, तो इसके दो तरीके हैं, दोनों देख लो आप। पहला तरीका, अगर आपको सिर्फ इतना कहना है शुरू में, ये नहीं बताना किस चीज़ के शुरू में, बस ये कहना आपको शुरू में, तो आप ध्यान रखें इसके साथ में प्रीपोजिशन क्या आएगी, इन, उसके तरह याद कर लो, लेकिन इसे अलग ही रखो आप। इसी में दूसरा देख लो, पहले ये हो गया हमारे इन दी एंड, और बच्चों ये क्या हो गया हमारा अंत में, ऐसे कह दो या ऐसे कह दो एक ही बात है, अंत में, तो जब हमें ये बोलना हो अंत में वो जीत गया, शुरू में वो हार गया, शुरू में ही वो मर गया, शुरू में ही हम डरने लगे, इस टाइप से, तो ये लगाएंगे। एक बात हुई है, अभी दूसरी बात और देखो और एग्जांपल देंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। दूसरा ये है बच्चों, एट द बिगनिंग ऑफ और नाउन, आपने देखा यहाँ था सिर्फ इन द बिगनिंग इन द एंड, लेकिन यहाँ क्या जुड़ गया ऑफ नाउन, ये जुड़ गया, तो प्रीपोजिशन क्या हो गई हमारी एट। आप कहोगे सर वो जो हमने मॉर्निंग पढ़ा था वह ऑन हुई थी, तो ये उसके साथ पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको, वो ख़त्म हो गया कल, ये नई चीज़ है। तो बच्चों अगर इवनिंग मॉर्निंग नाइट और आफ्टरनून है तो वो आप जानते हैं इन द आफ्टरनून, ऐसे करके इन द इवनिंग इन द मॉर्निंग, और वो किसी खास दिन की होती तो ऑन करते हैं, वहाँ ऑन करते हैं, ये अलग है, यहाँ ऐड करते हैं। अभी बताऊंगा एग्जांपल दूंगा, तो ऐड द बिगनिंग ऑफ, तो इसका मतलब होता के शुरू में, बताएंगे आपको किसके शुरू में, ये जुड़ जाता है इसके अंदर।
ऐसी वो है, एट दी एंड ऑफ नाउन, ऐसे ये जुड़ गया इसके अंदर, तो प्रीपोजिशन क्या हो जाती है और मीनिंग बन जाता है बच्चों इसका के अंत में। आप उत्सुक हो ये जानने के लिए कि सर इसके एग्जाम्पल में किस तरीके से यूज किया जाएगा, बोर्ड पे देखो पांच एग्जाम्पल और ये खत्म, फिर वो क्लास शुरू हो जाएगी दूसरी वाली हमारी। नोट कर लो सबको इसे, बहुत जरूरी चीजें हैं ये, पेपर में आती सब ये, अभी दिखाएंगे हम आपको। देखो सर अंग्रेजी जो भाषा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मुश्किल थोड़ी है, असंभव थोड़ी, ये मज़ेदार है। बस आपको पढ़ाने वाला जो मैं या कोई भी टीचर, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मुझे खुद को भी और वो बच्चों को क्लियर करवा दो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान भाषा है ये। और यकीन मानो हिंदी सीखना, रीजनिंग सीखना, मैथमेटिक्स सीखना अच्छा है, जॉब प्राप्त कर लोगे आप, बढ़िया है, लेकिन इंग्लिश सीखना दो जगह काम आएगा। एक तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस आएगा, यार मुझसे इंग्लिश आती है, आप खुद ही मजबूत रहोगे। दूसरी बात, आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिसके लिए आप अप्लाई करते हो वो दुगनी तुगनी हो जाएंगी, यानी कि अगर आप पहले बिना इंग्लिश के दो तीन जगह अप्लाई कर सकते थे, अब आप कम से कम सात आठ जगह अप्लाई कर सकते हो। SSC के सारे एग्जाम इंग्लिश बेस्ड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा, इंग्लिश ज़रूर ही पढ़नी पड़ेगी किसी से, अगर नहीं सीख पा रहा हूँ आप, कुछ परेशानी है तो हिंदी पढ़ के कर लो आप, लेकिन इंग्लिश एक अपने आप में अलग फीलिंग है। तो बच्चों इतनी आसानी से सिखा रहा हूँ, बहुत आसानी से आंसर तो आपको दिख रहे होंगे क्या आएगा, लेकिन और देख लो ऑप्शन, ब्लैंक दी एंड एवरी वन वाज अपसेट एंड ऑफ हिज स्पीच, कुछ है थोड़ी इसमें, आंसर तो क्लियर होगा, बस आपको नोट करवाना था वो, ब्लैंक ही लाफ्ड, ये एग्जाम्पल है हमारे, ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, उस बात को आप कैसे भूल सकते हो, उस बात को आप कैसे भूल सकते हो कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होने पर जिक्र सिर्फ सिंस और फोर का होगा। तो ये इसलिए इन और एट लेंगी क्योंकि ये सिंपल हैं सब, देखो ये सिंपल है, ये भी और ये भी सब सिंपल है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होगा तो सुन लो सबके साथ सिंस आएगा, नोट कर लेना, सबके साथ सिंस, सिंस द बिगिनिंग ऑफ, इसके साथ भी, इसके सबके साथ सिंस आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, शुरुआत और अंत। लेकिन ये सिंपल हैं तो फिर आपको दो प्रीपोजिशन बताई हैं हमने, तो देख लें बच्चों इसमें सिंस, ऑन, इन और एट, जब ये परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं, ऐसे काट दो, इसका यूज करते नहीं हम, ये बचे अब हमारे पास। तो बताओ किस चीज के शुरू में, मूवी के शुरू में एट आएगा, मूवी का शुरू है ना वो याद किया, और ये कॉमा बस शुरू में है, ये वो छोड़ो वो आगे की बात है, वो सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट ये है, फर्क है ना, ये इसके लिए है, तो इसमें आएगा इन। तो मूवी के शुरू में हीरो मर गया और शुरू में मूवी बहुत बोरिंग थी, उबाऊ थी, अब यहां देखो कॉमा कुछ नहीं है तो इन आएगा, लेकिन यहां पे क्या क्या ऑफ, तो क्या आएगा बच्चों एट, नोट कर लो, खत्म हो गया ये। दो एग्जाम्पल और देख लो एरर के रूप में, फिर इसे बंद कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, He did not see his father
ही डिड नॉट सी हिज फादर एट द बिगनिंग बट आगे लेके जाऊंगा सेंटेंस को मैं, ठीक है. ही डिड नॉट सी हिज फादर एट द बिगनिंग बट लेटर ही फाउंड हिम. और लास्ट में है नोएरा. तो करते हैं कोशिश समझने की. देखो ही सही है बच्चों, डिड भी सही है, नॉट भी, और जब डिड बाहर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बढ़िया. और हिज फादर, इतना देख लो आप, उसने अपने पिता को नहीं देखा एट द बिगनिंग, बट है वो, बट ऑफ तो नहीं है ना, ऑफ होना चाहिए था तो इन हो जाता. लेकिन जब ये एट द बिगनिंग लिखा हुआ है यहाँ, सॉरी, अगर ऑफ होता तो एट सही होता, लेकिन ऑफ नहीं है ना, इसे काट के इन कर दो. और आगे देख लो, बट लेटर, लेकिन बाद में उसने उन्हें पा लिया. तो बच्चों हमारे लिए ज़रूरी बात यह है कि बिगनिंग और एंड के साथ में इन आएगा या एट आएगा नॉर्मल सेंटेंस में, तो सिंपल वाले होंगे. परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, फिर उसमें कैसा आएगा देख लो आप. अगर द बिगनिंग द एंड है, ये नहीं पता किस चीज़ का है, तो इन आएगा. लेकिन अगर ये पता चल जाए किस चीज़ का अंत था या शुरू था, तो एट आएगा. नोट कर लो इसे, यहाँ इन करना पड़ेगा आपको. लास्ट एग्जाम्पल देख लो, फिर मैं इसे बंद कर दूंगा. एट द एंड ही रिकॉग्नाइज्ड मी, और फुल स्टॉप लास्ट में है, नो एरर. तो अंत में उसने मुझे पहचान लिया, इन हो जाएगा. एक और देख लो, एट द एंड ऑफ द, एट द एंड ऑफ द जर्नी, यात्रा के अंत में, वी हैड टू डिपार्ट. डिपार्ट मतलब अलग होना पड़ा. तो ये बता रहा है जर्नी के अंत में, तो ये सही है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है हमें. अंत किसका हो गया, ये जर्नी का. तो जर्नी के अंत में हमें अलग होना पड़ा, वो अलग चला गया, मैं अलग चला गया, इस टाइप से हो गया. नोट कर लो सबको ये. तो बच्चों आज हमने अपनी इस क्लास में पहले नंबर पे सॉल्यूशन करा, ज़रूरी होता वो भी स्कोर बताएं आप अपना. इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, इन द एंड, और एट द एंड ऑफ समथिंग, ये भी हो गया. एक नई प्रीपोजिशन और देख लो आप, बेहतरीन प्रीपोजिशन है बच्चों, वो देख लो उसे भी आप, क्या कहना चाहती है वो आपसे. देखो सर, आज की टाइम के लिए एक नई प्रीपोजिशन है हमारे पास, ड्यूरिंग, जिसका मतलब होता है के दौरान. इसका मतलब होता है के दौरान. और इसके कुछ तो अपने पर्सनल यूज हैं, जहां यही आएगी और कुछ नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि इसके बदले में कुछ और भी आएगा. सब दिखाऊंगा आपको मैं, पहले समझ लो ये है क्या चीज़. देखो बच्चों, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, और मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ क्लास के दौरान कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, तो आंसर इस तरीके से आएगा इंग्लिश में, नोबडी विल यूज़ मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग द क्लास. ड्यूरिंग द क्लास, मेरे भाषण के दौरान कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, नो वन विल डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग माई डिस्कोर्स, ड्यूरिंग माई स्पीच, ड्यूरिंग माई परफॉर्मेंस. समझ रहा हो ना, ये आपके घर में सिखाते होंगे आपको कि खाना खाते समय, इसे ऐसे भी बोल सकते हो, खाना खाने के दौरान, मतलब जब खाना खाओ उस दौरान बातें नहीं करनी चाहिए या मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ये बन जाएगा, यू शुड नॉट टॉक ड्यूरिंग द डिनर, ड्यूरिंग द लंच, ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट, इस टाइप से आएगा. तो आप ध्यान रखें कि जब हमें किसी सेंटेंस में ऐसा मीनिंग देना हो कि भाई एक लंबा पीरियड है, लंबे का मतलब 5 साल नहीं कह रहा मैं, लंबे का मतलब जिसे करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. जैसे लंच करेंगे तो टाइम लगता है, एकदम से नहीं खाते हम, ठीक है. रात है तो रात गुजरने में टाइम लगता है, पूरे दिन इसमें भी टाइम लगता है दिन को गुजरने में. गर्मियों की छुट्टियाँ, युद्ध चलता तो उस दौरान, हड़ताल चल रही होती तो उस दौरान, मूवी देख रहे हैं तो उस दौरान,
ठीक है ना, या किसी की परफॉर्मेंस है तो उस दौरान, क्लास चल रही है तो उस दौरान। तो ड्यूरिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि जब वो काम चल रहा हो, जैसे युद्ध चल रहा हो, हड़ताल चल रही हो, क्लास चल रही हो, किसी की परफॉर्मेंस चल रही हो, या जो है कोई स्पीच डिलीवर कर रहा हो अपनी, या जो है मीटिंग चल रही हो, मीटिंग या मूवी चल रही हो सिनेमा हॉल में या कहीं और भी, या जो है लंच कर रहा कोई, ब्रेकफास्ट कर रहा, तो इस दौरान करना है काम तो ड्यूरिंग आएगा। तो देखें इधर कुछ आपको मैं इसके लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप समझ जाओगे आराम से। जैसे ये है ही फेल असलीप, इसका मतलब होता है बच्चों सो जाना, इसका मतलब होता है सो जाना, वो सो गया। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाल असलीप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फालन। तो ये है हमारी सेकंड फॉर्म, तो ही फेल असलीप, और ये आ गया हमारा द फिल्म, ठीक है। यू शुड नॉट यूज मोबाइल और ब्लैंक द क्लास, ही विल टॉक अबाउट दिस मैटर और ब्लैंक ब्रेकफास्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं इस पर, और दिखाता हूँ मैं आपको। ये एग्जाम्पल समझ लोगे ना आप, ड्यूरिंग समझ जाओगे आराम से, बस एग्जाम्पल नोट करते रहो। ये चमगादड़ होती हैं, चमगादड़, स्लीप और ब्लैंक द डे, ठीक है। नोबडी वुड डिस्टर्ब मी माई परफॉर्मेंस, या यहां डिस्कोर्स लिख दो, ये भाषण होता, ऊपर वाला भाषण है, नीचे वाली परफॉर्मेंस है, या इसमें और देख सकते हैं आप वी ऑल स्टेड इनसाइड, हम सब अंदर ठहर गए द स्टॉर्म, ठीक है बच्चों। और फिर लास्ट में है द पीपल, कुछ चीज मुश्किल नहीं होती है, समझना पड़ता है, समझाने वाला है आपके पास मौजूद, कोई परेशानी है तो बताना पड़ता, परेशानी छोड़ूंगा नहीं मैं, समझा दूंगा। द पीपल सफर हार्डशिप और ब्लैंक द वार, एक और देख लो लास्ट में, चिल्ड्रन एंजॉय themselves, चिल्ड्रन एंजॉय themselves और द हॉलीडे, छुट्टियों के दौरान, हॉलीडे या हॉलीडेज। ये जो हमारे सेंटेंस लिखे हुए हैं बच्चों, आप इसे देखो, द फिल्म, द क्लास, ब्रेकफास्ट, डिस्कोर्स, परफॉर्मेंस, स्टॉर्म तूफान होता, या वार या हॉलीडे, ये ऐसे हैं कि एक घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपके सामने, या ऐसे है कि मैं बोल रहा हूँ, सुनो अब मेरी बात सुनते रहे ना, वह सो गया फिल्म देखते देखते, ये तो मीनिंग है। तो इसी तरीके का मीनिंग कि भाई खाना खाते खाते हम बातें करेंगे, फिल्म देखते देखते वो सो गया, क्लास पढ़ते पढ़ते मोबाइल चला रहा था, पूरा दिन यानी कि पूरा दिन जो है वो सोता रहा ऐसे करके, या मेरे भाषण या मेरी परफॉर्मेंस के दौरान, या तूफान के दौरान, तूफान चल रहा था हम अंदर थे। द वार का मतलब होता है युद्ध,
और द हॉलीडे का मतलब छुट्टी होता है। तो ध्यान दें बच्चों, जब हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जिस समय यह चल रहा था उसी समय एक व्यक्ति, जिस समय ये कोई काम होगा वैसी तूफान युद्ध क्लास कुछ भी ऐसे करके, और उसी समय एक व्यक्ति चर्चा करना चाहता, मोबाइल चलाना चाहता, सो रहा है उसी टाइम या कुछ भी कर रहा, तो ये जो है बस दौरान का मीनिंग देता, उसी दौरान वो काम होना है। इन सभी के लिए सबसे बेहतर प्रीपोजिशन ड्यूरिंग होगी। ही फेल एस्लीप ड्यूरिंग द फिल्म या द मीटिंग, मीटिंग के दौरान भी हो सकता। बढ़िया, एकदम बेहतरीन, ये एग्जाम्पल को नोट कर लो, यही मिल जाएंगे आपको पेपर में। तो वह सो गया फिल्म के दौरान, मतलब फिल्म देखते देखते सो गया, उसी दौरान सो गया जब फिल्म चल रही है, और मीटिंग के दौरान वह सो गया। यू शुड नॉट यूज मोबाइल ड्यूरिंग द क्लास। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर यहाँ तो इन द क्लास भी आ सकता है, बेशक आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा फर्क है बच्चों। ड्यूरिंग द क्लास कह रहे हो आप, तो इसका मतलब ये है टीचर पढ़ा रहा है, सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ये ड्यूरिंग द क्लास हो गया। लेकिन अगर इन द क्लास कहोगे आप, तो टीचर पढ़ा रहा हो या नहीं पढ़ा रहा हो, बस क्लास में लोग हैं, टीचर नहीं है क्लास में मान लो, तो ये इन द क्लास होता। दोनों सही हैं, लेकिन ड्यूरिंग ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बार को टीचर क्लास में नहीं है तो बच्चे मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब हो तब ज़्यादा सख्ती है, नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों आपसे, ही फेल एस्लीप ड्यूरिंग द फिल्म, यही बढ़िया। यू शुड नॉट यूज मोबाइल ड्यूरिंग द क्लास, बढ़िया है, और ये भी आपका लग सकता है दूसरे पे, ये पहले पे, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं आप, इन द क्लास ही, अच्छा इसमें भी आ सकता इन, ये ड्यूरिंग ना हल्का सा मीनिंग इन का देता, लेकिन ये बेहतर है उससे। ही विल टॉक अबाउट दिस मैटर, वह इस मामले पर बात करेगा, किस दौरान, नाश्ते के दौरान, नाश्ता कर रहे होंगे और बातें कर रहे होंगे, तो ड्यूरिंग आएगा। इसे ध्यान से देख लो आप, क्योंकि ये एक बार पहले भी हो चुका, ओवर पढ़ा आपने। आप अगर सारी क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हो, जब 20 क्लासेस उड़ाएंगे तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, सबको एक साथ देख लेना जिसकी मर्जी हो, पहली दूसरी तीसरी, लेकिन अभी ऐसी मिलेंगी आपको। तो पुरानी क्लासेस में मैंने ओवर पढ़ाया होगा आपको, तो ज़रूर ये बात बताई होगी कि अगर कोई बातचीत करेगा तो ओवर फोन, किसी के सर पे लटक रही होगी कोई चीज़ तो ओवर, सर के ऊपर से कुछ उड़ गया, छत के ऊपर से, खेतों के ऊपर से जहाज उड़ गया, ओवर आएगा। कुछ अगर किसी के ऊपर बिछाना है तो ओवर आएगा, बताया था। और ये भी बताया होगा ज़रूर मैंने आपको, ज़रूर देख लो चाहें आप। अगर आप खाना खाने के दौरान, ब्रेकफास्ट के दौरान, लंच के दौरान, डिनर के दौरान बातचीत कर रहे हो कुछ भी, तो ओवर का यूज़ कर सकते हो आप। तो बच्चों ये सेंटेंस बढ़िया है हमारा, और चाहो तो इसमें ओवर भी आ सकता, ये भी बढ़िया और ये भी बढ़िया, दोनों बढ़िया हैं। पहले पे ड्यूरिंग करना, ये भी सही, मतलब कुछ भी कर लो, एक मिलेगा पेपर में आपको। तो बच्चों ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, ओवर ब्रेकफास्ट, वही मतलब सब लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं उसी समय बात चल रही, तो ओवर का मीनिंग भी यहाँ एक्सेप्ट किया गया है, ड्यूरिंग भी बढ़िया है। फिर आते बेड्स स्लीप, आपको लगता है कि भाई जो उल्लू है वो रात भर जागते हैं, रात भर का मतलब जानना हो, पूरी रात जागते रहते हैं, ऐसी ये है। जो चमगादड़ हैं वो पूरे दिन सोती हैं, तो पूरा दिन का मतलब यही तो है, ड्यूरिंग द डे। फिर आते हैं नोबडी वुड डिस्टर्ब मी, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, किस दौरान, जब मैं भाषण दे रहा हूँगा। वी ऑल स्टेड इनसाइड, हम सब अंदर रहे जब तक तूफान चलता रहा, जिस समय तक, जिस दौरान तक। और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता पेपर में ये। द पीपल सफर हार्डशिप, लोग मुसीबतें उठाते हैं युद्ध के दौरान, उधर युद्ध चल रहा होता है, इधर लोग परेशान होते हैं, और बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द हॉलीडे। तो बच्चों जितने भी सेंटेंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि जरूर ड्यूरिंग ही आएगा, क्योंकि ओवर भी आने को तैयार है, इन भी आने को तैयार है, इन द वॉर भी होगा। जैसे मैं बोलूं मैनी सोल्जर्स वर किल्ड, बहुत सारे सैनिकों को मार दिया गया था, अब ड्यूरिंग नहीं आएगा, इन द वार, और रुको ड्यूरिंग द वार भी कर सकते हो आप, भाई युद्ध चलता रहा, लोग मरते गए। तो मैं अपनी इन बातों से आपको ये संकेत दे रहा हूँ कि ड्यूरिंग इन सभी सेंटेंस में बढ़िया मीनिंग दे रहा। क्यों दे रहा मीनिंग, देखो सुन लो, इधर एक काम हुआ, भाषण दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किस दौरान, जिस दौरान ये चल रहा, क्लास चल रही हो, मीटिंग, बस ये सबसे बढ़िया मीनिंग ड्यूरिंग के लिए है।
ड्यूरिंग को प्रीफर करना इसमें, सबको नोट करो इसे, बढ़िया है आंसर खत्म हो गया ये, अगला देख लो एग्जाम्पल। अब आपको आंसर देने है, मेरा काम खत्म हो गया, अब आपका काम है। इन भी आ सकता है लेकिन ये बेहतर होते हैं। तो बच्चों जरा ये बताओ आप मुझे, क्या आएगा इसमें? अब आप कहोगे सर आप जब ड्यूरिंग पढ़ा रहे हो तो ड्यूरिंग ही आएगा, हो सकता है कुछ और आए, और अगर ये भी आएगा तो समझदारी से करना, समझ तो जाओगे। एक्स्ट्रा बात है आप, माई मोबाइल फोन, माई मोबाइल फोन रैंग, मेरा फोन बजा ट्वाइस, दो बार, और ब्लैंक द फिल्म, या मीटिंग कर लो यहाँ पे। एग्जाम्पल दूसरा, और क्या लिखा था हमने इसके अंदर आपका, ठीक है, और वी स्टेड इन मुंबई, हम मुंबई में रुके, और विंटर, विंटर होते हैं जाड़े, या लास्ट एग्जाम्पल ये है, यू शुड एंजॉय योर सेल्फ द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। सिंपल सिंपल आंसर है इसके, सबका आंसर ड्यूरिंग लगा दो आप, चाहे पढ़ के देख लो। मेरा मोबाइल फोन दो बार बजा फिल्म के दौरान, फिल्म चल रही है फोन बज रहा था। वी स्टेड इन मुंबई, हम मुंबई में ठहरे सर्दियों के दौरान, सर्दियां चल रही हैं लंबी सी, हम वहां रुके हुए हैं। और यू शुड एंजॉय योर सेल्फ ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान तुम्हें अपने आप को एंजॉय करना चाहिए, क्लास के दौरान। मतलब कहने का इनका यह है कि जब ये काम है उसी दौरान क्लास चल रही है, उसी दौरान मीटिंग चल रही है, उसी दौरान हड़ताल चल रही है, उसी दौरान युद्ध चल रहा, उसी दौरान खाना खा रहा है, उसी दौरान बातें कर रहा है। तो ड्यूरिंग कैन बी यूज्ड इजीली, ड्यूरिंग का यूज आराम से कर सकते हैं आप। मैं अपनी कल की क्लासेस में कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन या कुछ और महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है लेकिन वो किसी टॉपिक से जुड़ी भी नहीं है, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ाई मैंने आपको पहले, अलोंग, अक्रॉस, थ्रो, बहुत लंबी, और ये तो और ज़्यादा लंबी रही हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, लेकिन वो जो अब प्रीपोजिशन मैं आपको सिखाऊंगा जो अब आएगी वो नॉर्मल सी है हट करके, लेकिन पेपर में बहुत पूछते हैं और इम्पोर्टेंट है। थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, सामान कैसे बेचा जाता है, खरीदेंगे तो क्या लगाएंगे, कोई गाड़ी तेज़ दौड़ रही तो उस दर के लिए क्या लगाओगे आप, दीवार पे घड़ी है तो पर होगा या क्या होगा, हाथ में घड़ी है, हाथ में है, पेड़ पर आम लगे हुए हैं तो ऑन लगाओगे, इन सर में तेल लगाया है तो क्या लगाओगे, बहुत सारी बातें। तो ये बातें आपसे कल करेंगे, बाकी यहीं तक वीडियो को रोकते हैं। कोई बात अगर है तो आप हम बता सकते हैं, कोई परेशानी हो तो मैसेज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, कमेंट करना रोके और शेयर कमेंट करना ना रोकें, बताएं हमें और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।